सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक क्रांच चैनल को और बेल आइकन बजाइए ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, टेक्नोविक क्रांत में आप सभी का स्वागत है। सो फाइनली आज की इस वीडियो में मैं आपको Realme 11 Pro Plus के टॉप 5 बक्स के बारे में बताऊंगा। साथ ही दोस्तों टॉप 5 ऐसे ही यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा जो कि Realme के ओल्ड डिवाइसेस में अभी तक देखने को नहीं मिला है। मे भी हो सकता है आगे आने वाले अपडेट में Realme वाले इन फीचर्स को बाकी डिवाइसेस में प्रोवाइड कर दे। तो यहाँ पर मैं टॉप 5 बक्स और यूनिक फीचर्स के बारे में बताऊंगा, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर 5 बक्स और फीचर्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप मेरे डिवाइस को चेकआउट कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे एक साइड अबाउट डिवाइस में। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं ये Realme 11 Pro Plus है, साथ ही इसका मॉडल नंबर भी चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मेरे को अभी Realme 11 Pro Plus के लिए जो लेटेस्ट वर्जन रोल आउट हुआ है वो अभी तक मेरे को देखने को नहीं मिला है। मे भी हो सकता है लेटेस्ट वर्जन में ये बग्स फिक्स हो जाए, तो जैसे ही न्यू अपडेट मिलेगा मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बग्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों नोटिफिकेशन क्लियर का। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आपको ऊपर की साइड में जो नोटिफिकेशन आया रहता है उसका छोटा छोटा आइकन स्टेटस बार में शो होता है। अगर आप नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की साइड स्वैप करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल शो हो जाता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलता है अगर आप होम स्क्रीन के नीचे के साइड को यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर को आप स्वैप करते हैं नीचे साइड तो जो नोटिफिकेशन आया रहता है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। ये प्रॉब्लम दोस्तों मेरे को Realme के काफी सारे डिवाइसेस के अंदर देखने को मिला है और इस डिवाइसेस में भी ये प्रॉब्लम फेस होता है। और ये प्रॉब्लम दोस्तों कुछ कुछ सिचुएशन में होता है, हर टाइम ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप होम स्क्रीन को नीचे साइड स्वैप करते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन आया रहता है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है, तो ये एक बक्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बक्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों कैमरा के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा यूज करते हैं तो उस टाइम पर फोटो वीडियो वगैरह आप सही ढंग से निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप कैमरा यूज करते रहते हैं तो जो ब्राइटनेस है वो ऑटो में रहता है, वो पूरे के पूरे लो हो जाता है और वो ऑटोमेटिक बढ़ता भी नहीं है। कैमरा को बंद करने के बाद भी जो ब्राइटनेस है वो बढ़ता भी नहीं है, उसको आपको मैनुअली बढ़ाना पड़ता है या फिर ऑटो वाले ऑप्शन को बंद करके चालू करना पड़ता है, तब जाके आपको ब्राइटनेस प्रॉपर वे में देखने को मिलता है। जब आप कैमरा यूज करते रहते हैं तो जो ब्राइटनेस है वो पूरे के पूरे लो हो जाता है, आप देख सकते हैं, तो ये एक बक्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए थर्ड बक्स की तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में। जैसे ही दोस्तों आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आएंगे तो यहाँ पर जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो प्रॉपर वे में वर्क करता है। लेकिन दोस्तों आपको कोई कोई जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो वर्क नहीं करते हैं, जैसे होमलैंड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो वर्क नहीं करता है, जैसे ही होमलैंड को क्लिक करते हैं वो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले से एग्जिट हो जाता है। उसी प्रकार आपको लास्ट में इमेज वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, उसको भी अगर आप क्लिक करते हैं तो भी जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है वो वर्क नहीं करता है। उसी के साथ दोस्तों अगर आप कस्टम पैटर्न वाले जो ऑप्शन है उसको आप क्लिक करके पैटर्न आप ड्राइंग करते हैं उसके बाद इसको अप्लाई करते हैं तो पैटर्न वाले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता है, तो इस टाइप से ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में बग्स देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों कोई सा भी एप्लीकेशन को मैं अपडेट नहीं किया हूँ, ये जो बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है जिसके अंदर यहाँ पर बक्स देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बात की जाए फोर्थ बक्स की तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों हॉटस्पॉट के अंदर। यहाँ पर दोस्तों अगर आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो आपको जो हॉटस्पॉट है वो प्रॉपर वे में शो होता है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद जो हॉटस्पॉट है वो सिस्टम में या फिर किसी भी डिवाइसेस के अंदर देखने को नहीं मिलता है, वो ऑटोमेटिक फेल होकर डिस्कनेक्ट हो जाता है। साथ ही दोस्तों हॉटस्पॉट में बैंड देखने को मिलता है, डुअल बैंड हॉटस्पॉट देखने को मिलता है, जिसमें आपको 5 GHz में करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में हॉटस्पॉट यूज करने को मिलता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप 2.4 GHz करते हैं तो आपको कुछ टाइम बाद फैल इशू देखने को मिलता है और साथ ही फैल होने के बाद वो हॉटस्पॉट जो है सो ही नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम दोस्तों मेरे को देखने को मिला है।
इसके अलावा बात की जाए फिफ्थ बक्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों लेगिंग इशू का। अगर दोस्तों आप प्रॉपर वे में नॉर्मल कंडीशन में मोबाइल यूज करते हैं, किसी भी फंक्शन या फीचर्स को स्वैप करते हैं, अप डाउन करते हैं, तो आपको थोड़ा स्लो मोशन में देखने को मिलता है। ये दोस्तों किसी किसी टाइम पर ही देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा लेगिंग इशू देखने को मिल जाता है। तो ये रहा दोस्तों टॉप 5 बक्स। अब दोस्तों बात की जाए यूनिक फीचर्स की, तो यहाँ पर सबसे पहले फीचर्स की बात करें तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन के अंदर, नीचे की साइड पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन का। यहाँ पर दोस्तों इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो जो पॉकेट के अंदर मोबाइल रखने पर कभी कभी कुछ कुछ फीचर्स ऑन हो जाता है, किसी को ऑटोमेटिक कॉल वगैरह लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम जो है इस फीचर्स को ऑन करने के बाद देखने को नहीं मिलेगा। और ये फीचर्स दोस्तों अभी कुछ कुछ डिवाइसेस को ही अपडेट के थ्रू देखने को मिला है, लेकिन काफी सारे डिवाइसेस को अभी तक ये पॉकेट मिस टच प्रिवेंशन वाला फीचर्स देखने को नहीं मिला है। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार के अंदर स्मार्ट नोटिफिकेशन हाइडिंग की। ये फीचर्स दोस्तों सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफी यूजफुल है। अगर दोस्तों इस फीचर्स को ऑन करते हैं तो ये आपको फेस इनरोलमेंट करने को बोलता है। अगर आप फेस इनरोलमेंट करके रखते हैं तो जो भी नोटिफिकेशन आता है वो आपको दूसरे पर्सन को शो नहीं होगा। जैसे ही आपका आई कॉन्टेक्ट या फेस कॉन्टेक्ट आपके फोन में पड़ेगा तभी जो नोटिफिकेशन है आपको शो होगा, बाकी अदर पर्सन को जो नोटिफिकेशन है वो शो नहीं होगा। तो ये आपको सिक्योरिटी पर्पस के लिए काफी यूजफुल फीचर्स हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलते हैं दोस्तों सेटिंग के अंदर, डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर, नीचे की साइड एडेप्टिव स्लीप का। इस फीचर्स को अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आपको कैमरा का परमिशन देना पड़ता है। जैसे ही परमिशन देके इस फीचर्स को ऑन करते हैं, जब तक आप फोन को देखते रहेंगे तो आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ नहीं होगा, और जैसे ही फोन को आप नजर से दूर रखते हैं तो आपका फोन जो है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। ये फीचर से दोस्तों बैटरी ड्रेनिंग के प्रॉब्लम को कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए अगले फीचर्स की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर बैटरी के सेक्शन में। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों जैसे ही बैटरी सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको बैटरी हेल्थ का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों आपको बैटरी कैपेसिटी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर 100% देखने को मिल रहा है। साथ ही बैटरी बूस्टर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसके थ्रू दोस्तों काफी फास्ट बैटरी ड्रेनिंग का जो प्रॉब्लम रहता है उसमें ये आपको काफी हद तक कम देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों यहीं पर ही आपको वॉइस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये दोस्तों ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग वाला जो फीचर्स है उसको यहाँ पर नेम चेंज करके वॉइस चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एट नाइट और ऑल डे का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू दोस्तों आपको ऑल डे में ऑप्टिमाइज चार्जिंग का ऑप्शन शो करेगा, या फिर नाइट वाले आपको नाइट टाइम में ऑप्टिमाइज नाइट चार्जिंग वाला शो करेगा। तो यहाँ पर वॉइस चार्जिंग का फीचर्स भी देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर आप कैमरा सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको वाटरमार्क का न्यू फीचर्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कस्टम और जनरल का ऑप्शन देखने को मिलता है। जनरल में आपको सिंपल वाटरमार्क देखने को मिलता है, हालांकि दोस्तों काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन है लेकिन आपको सिंपल वाटरमार्क ऑप्शन देखने को मिलता है। साथ ही नीचे की साइड आपको स्ट्रीट मोड वाटरमार्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कस्टम में सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको लोनली प्लेनेट वाटरमार्क देखने को मिल जाता है। तो आपको वाटरमार्क का काफी सारे कस्टमाइजेशन ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये रहा दोस्तों Realme 11 Pro Plus का टॉप 5 बक्स एंड फीचर्स। दोस्तों ये बक्स आपके डिवाइसेस में देखने को मिला है कि नहीं मिला है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।